तो बिहार में किस किस हिस्से सजेगा मुख्यमंत्री का ताज, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। आप एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार देखेंगे। देखिए, बिहार चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल पर मैदान में चुनाव लड़ रही पार्टियों के नेताओं का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उसमें साफ दिखा रहा है कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। पहले से ये संकेत मिल गए थे कि जनता नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। अगर हम एलजेपी के साथ लड़े होते तो आज 150 से ऊपर जाते। भाजपा की मजबूत सीटों पर इन्होंने दावादारी ठोक दी, वो सीटें ले ली हमारे प्रदेश नेतृत्व के मिली भगत से, उसका भी खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो एनडीए को डबल नुकसान हुआ, एक तो परंपरागत वोट जो बीजेपी का है वो भी शिफ्ट हुआ। अनुमान है, सच्चाई तो 10 तारीख को आ जाएगी कि वास्तविक किस पार्टी की जीत हुई जा करके है। एक अनुमान पर एक सर्वे कराया गया, सैंपल सर्वे हुआ जा करके, इसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता है जा करके, और एक अनुमान पर बताया जा रहा है। लेकिन हमें विश्वास है कि 10 तारीख जो वास्तव रिजल्ट जो आएगा उसमें एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार ने देश को एक दिशा दे दी है, और यकीन मानिए एग्जिट पोल कुछ भी कहें, ऊपर दिखाएं नीचे दिखाएं, लेकिन बिहार के लोगों ने अपनी सरकार चुन ली है। 10 नवंबर को एक युवा जोशीले सरकार का गठन होगा और मुद्दों पे उसी दिन से काम करना शुरू। देखिए, एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल क्या आते हैं ये सबको पता है। हमारे लिए एग्जिट पोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है एग्जैक्ट पोल, और हमें एग्जैक्ट पोल पर भरोसा है कांग्रेस को और गठबंधन को जो 10 को आएगा। ये चैनल वाले सपना एग्जिट पोल चलाते हैं, अनुमान है क्या? कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है, हम कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, और जो वादे हमने जनता से किए हैं एक एक करके उन वादों को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे, वो हालत नहीं हो जाए जो नीतीश कुमार और भाजपा सरकार की हुई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।